मैं कलमी का साग बना रही हूँ। ये कलमी है, इसको मैं बना कर अच्छे से इसको धो दी हूँ। ये है, यहाँ देखिए ऑनियन है, गार्लिक है, और ये तेल गरम करके मैं इसमें डाल दी हूँ, जीरा डाली हूँ। अब मैं डालूँगी देखिए सूखी मिर्ची, इससे सोना सोना टेस्ट आ जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है साग, बहुत ही आसान होता है साग बनाना। देखिए अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ, इसको डालकर थोड़ा फ्राई कर दूँगी, उसके बाद मैं साग को डालूँगी। कलमी का साग खाना बहुत ही अच्छा होता है, ये हीमोग्लोबिन को बनाता है। ये देखिए बहुत ही फ्रेश साग है, अभी खाइए, किसी तरह का इसमें कुछ नहीं रहेगा, कीड़ा वगैरह। इसको मैं गोल्डन फ्राई कर, तो देखिए दोस्तों इस तरह से मैं इसे हल्का फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें इस साग को डाल दूँगी। साग बनाना बहुत ही आसान है, इसको आप डाल कर ढक दीजिए, फिर गल जाएगा थोड़ा, तब उसमें नमक डाल दीजिए। देखिए दोस्तों इस तरह से मैं डाल दी हूँ इसमें, अब इसे मैं ढक दूँगी, फिर ये थोड़ा गल जाएगा, फिर मैं इसमें नमक दूँगी। तो अब दोस्तों मैं इसे ढक चुकी हूँ, अब इसे मैं देखती हूँ हटाकर क्या हाल है इसका। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालिए, आपको कितना खाना पसंद है। इस तरह से मैं नमक डाल दी हूँ और इसमें कोई मसाला नहीं पड़ता दोस्तों। अब मैं इसे ढक दूँगी, नमक डालने के बाद साग इस तरह से गल जाएगा, उसके बाद पूरी तरह से ये बन जाएगा। दोस्तों साग को ढक दीजिए अच्छे से, पूरी तरह से गल जाने के बाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी नमक डाली, ढक दी, इससे इतना हुआ है। आगे देखिए ये पूरा गल जाएगा, ये जो जितना दिख रहा है ये पूरा गल जाएगा दोस्तों। साग को आप रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, और इस साग को खाने से हीमोग्लोबिन भी होता है बॉडी में। कलमी का साग हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो देखिए दोस्तों मेरा साग इस तरह से बनकर तैयार हो गया है, आप इसे चावल में आराम से खाइए, रोटी दाल चावल सब्जी पे भी खाइए। बहुत ही अच्छे से मेरा साग रेडी हो गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, हरा हरा। तो दोस्तों आप इस तरह से कलमी का साग घर पे बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।